हरियाणा के यमुनानगर में आज 74वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तेजली खेल परिसर में ध्वज फहराने के बाद सीएम ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली और सीएम ने इस दौरान सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के तेजली खेल स्टेडियम को मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 3 फेज में तैयार किया जाएगा। यमुनानगर को आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। मित्रों, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, आज ये जो 26 जनवरी का कार्यक्रम 74वां गणतंत्र दिवस अपना जो कार्यक्रम यमुनानगर में और ये जो तेजली स्टेडियम में आज किया गया है, नाम तो बहुत सुना था तेजली स्टेडियम का, लेकिन जितना अच्छा कार्यक्रम आज आपका हुआ, परंतु तेजली स्टेडियम को देख करके मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। तो यहाँ बैठ करके विचार आया कि इस स्टेडियम का क्यों नहीं जरा विस्तार किया जाए, इस कॉम्प्लेक्स को जरा अच्छा आधुनिक बनाया जाए। तो इसके लिए जो हमें विचार आया है वो ये कि इसका एक तेजली मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसको बनाया जाएगा और 3 साल के फेजेज में, 3 फेजेज में इसका विकास करेंगे। कुल 50 एकड़ ये जमीन है और इसमें कई प्रकार के इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स इसकी प्रस्तावना की जा रही है। और इसमें जैसे फर्स्ट फेज के अंदर रेसलिंग, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, कबड्डी, लॉन टेनिस, आर्चरी, राइफल शूटिंग आदि ये सब इस अगले साल के अंदर ये सारे कार्यक्रम शुरू कराने की योजना बना दी गई है। और बाद में सेकंड फेज, थर्ड फेज में इसमें जितने भी आउटडोर गेम्स हैं, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, यानी इंडोर में वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, स्क्वैश आदि, इनको भी शुरुआत करेंगे। तो ऐसा 50 एकड़ के इस कॉम्प्लेक्स पर 90 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खेल विभाग इसको हैंडल करेगा। तो एक बहुत बड़ी योजना इस तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपनी अगले 2-3 साल में बन जाएगी।